पहला सवाल तो यही है कि मैंने डिजिटल मीडिया का आदमी हूं, अपनी टाइमलाइन पर जब लिखा मोहम्मद शमी जी से बात करने का मौका मिला है, क्या पूछूं? सबका एक ही सवाल है कि अभी फिटनेस की क्या स्थिति है और आप कम बैक कब कर रहे हैं टीम में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही कहना चाहूंगा कि रिकवरी का जो सिलसिला है ये स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जुड़ा रहता है, लेकिन बहुत सवाल सुनने को मिलते हैं कि आप कब आ रहे हैं या फिर आपकी रिकवरी कितने टाइम में पूरी होगी। बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं और मीडिया के माध्यम से भी आते ही रहते हैं। तो कोशिश यही है कि मैं जितने भी फैंस हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं लोग, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँ, अपने रिकवरी का जो मेरा पैटर्न है मैं उसको अपलोड करता रहूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो उन लोगों को मिलता रहता है। लेकिन वो उनका प्यार फिर दिखता है कि एक एक आदमी 10-10 बार वो कमेंट्स करता है, वो मिस यू वाले मैसेज भेजता है, वो बहुत सबसे प्यारा लगता है। मेरे टाइमलाइन पर बहुत सवाल आए लेकिन रिपीटेटिव दो ही हैं। एक तो ये है कि फिटनेस की क्या स्थिति और कब जल्दी आएंगे और आपको मिस कर रहे हैं, और मेरे पास सवाल कुछ और थे, लेकिन दूसरा जो सबसे पॉपुलर सवाल रहा आज का डिजिटल का, सोशल मीडिया का, वो ये था कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए भी, चोट से स्ट्रगल करते हुए भी, सारी मुश्किलों से स्ट्रगल करते हुए भी प्रोफेशनल लाइफ में आपका डिसिप्लिन बना रहता है, जो संघर्ष का मादा है, जो जज्बा है, जो जीवट है, आपकी गेंदबाजी की जो धार है, उसको उसके बावजूद बनाए रखते हैं तमाम तूफानों के बीच भी? देखिए, रिकवरी का तो ऐसा है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, वो ऐसा नहीं है कि सडनली हो जाए, क्योंकि बड़ी इंजरी के बाद जब आप आते हैं तो स्लोली प्रोग्रेस करना पड़ता है उस हिसाब से। और जहां तक सवाल स्किल का है, वो आपको हार्डवर्क कह सकते हैं, आप स्किल को रिपीट करना बोल सकते हैं, या आप अपने आप का कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ में आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो बेस्ट है, जो आपका स्किल है, अगर आप उस पर बिलीव करते हैं और खुद को बैक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्किल आपको धोखा देगा। तो आपका हार्डवर्क और आपका जो ट्रस्ट है आपके स्किल के प्रति, वो आपको बना के रखना पड़ेगा और वही आपको प्योर करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।